नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 12 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 6000 के नजदीक। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 250 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 5948 हो गई है। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, औरंगाबाद में 19, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 10, भोजपुर में 9, बक्सर में 2, दरभंगा में 6, गया में 4, गोपालगंज में 7, जमुई में 2, जहानाबाद में 2, कैमूर में 10, कटिहार में 4, खगड़िया में 7, किशनगंज में 4, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 1, मुंगेर में 36, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 2, नवादा में 5, पटना में 3, पूर्णिया में 2, रोहतास में 7, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 3, सारण में 8, शेखपुरा में 3, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 61 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 3086 पर। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या जहां एक तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार 3086 मरीजों के ठीक होने की खबर सामने आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार में 113,225 सैंपल की जाँच की जा चुकी है, जिसमें से बिहार में 5800 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अब तक कोविड 19 की वजह से 34 लोगों की जान भी जा चुकी है। बिहार में टिड्डी दल के आगमन की बढ़ी संभावना। बिहार में टिड्डी दल के आने की संभावना एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिहार सरकार के कृषि विभाग के माने तो यूपी बिहार के बॉर्डर इलाके में टिड्डी दल पहुंच चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में कृषि विभाग ने सभी किसानों को सचेत कर दिया है। वहीं कृषि विभाग ने इस बाबत एडवाइजरी भी जारी कर दी है और विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों की छुट्टी को भी फिलहाल कैंसिल कर दिया है। बिहार में आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना। बढ़ती गर्मी के बीच आने वाले 2-3 दिनों में बारिश की संभावना बिहार के विभिन्न जिलों में बढ़ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के माने तो 13 से 20 जून के बीच मानसून बिहार में दस्तक दे सकता है। वहीं राजधानी पटना में मानसून 16 जून को दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने इस साल बिहार में 88 सेंटीमीटर बारिश होने की उम्मीद जताई है, जो सामान्य से काफी ज्यादा अधिक है। आज से पटना का गांधी मैदान मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए खुला। गांधी मैदान को कोविड 19 के कारण बंद कर दिया गया था, मगर एक बार फिर से अब बंद में मिली छूट के तहत गांधी मैदान के चारों गेट को सुबह और शाम को टहलने के लिए लोगों के लिए खोला जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। खबरों की माने तो बीते दिन गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद इसे खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत आज से शुरू होने वाले पार्क में 5 बजे से 10 बजे तक के गांधी मैदान का द्वार खोल दिया जाएगा। वहीं शाम में 4 बजे से 7 बजे तक सभी द्वार खुले रहेंगे। पंकज त्रिपाठी अब बिहार के खादी को बेचते आएंगे नजर। बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले पंकज त्रिपाठी आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार से लेकर के मुंबई तक इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। वहीं अब पंकज त्रिपाठी ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनने का फैसला लिया है। पंकज त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर पाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वहीं उद्योग मंत्री श्याम रजक ने भी इस मुद्दे पर कहा है कि बिहार की खादी देश में अहमियत रखती है, लेकिन आज के दौर में ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। बीते दिन से बिहार के घर घर पहुंचना शुरू हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 11 जून से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर चुकी है, जिसके तहत बीते दिन से बिहार में कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी पहुंचाई जा रही है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई चिट्ठी में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने अपने बूथ स्तर पर सप्त ऋषियों को 25 घरों में जाने को कहा है, जो कि अब लोगों को मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियां गिनवाएंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी के साथ साथ पुस्तिका भी दी जाएगी। लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार ने किसी भी नए निर्णय के नहीं लेने की कही बात। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच मीडिया से बीते कुछ दिनों पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि बिहार सरकार एक बार फिर से बंद का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद बिहार सरकार ने खुद स्थिति को स्पष्ट करते हुए साफ कह दिया है कि बंद को लेकर बिहार में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का ही पालन किया जा रहा है। वहीं बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि पूरे देश में बंद लागू करने से संबंधित विभिन्न चैनलों पर अलग अलग तरह की खबरें चल रही है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल सरकार ने बंद के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और जो केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का गाइडलाइन तैयार किया था उसी को अभी फॉलो किया जा रहा है। 20 जून को नियोजित शिक्षकों की मेरिट लिस्ट को कर दिया जाएगा जारी।
नियोजित शिक्षकों के लिए अहम सूचना। बिहार में छठे चरण के तहत माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना में इस बात की जानकारी भी दे दी गई है। साथ ही 20 जून को नियोजित शिक्षकों की मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही गई है। हालांकि इससे पहले कोविड-19 की वजह से माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद अनलॉक होते ही एक बार फिर से नियोजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्णय ले लिया है। वहीं 24 से 26 जून तक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जाँच करने का भी आदेश जारी किया गया है। खेत खलिहानों का जायजा लेने पहुंचे अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताने वाली पुष्पम प्रिया। इसी साल मार्च महीने में अखबारों में पुष्पम प्रिया नाम की चर्चा हर ओर देखने को मिली, जहां पर पुष्पम प्रिया ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था। हालांकि कोविड-19 के माहौल में वह कुछ समय के लिए गायब दिखी थी, मगर अब एक बार फिर से वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बंद खत्म होते ही पुष्पम प्रिया बिहार के कई जिलों में दौरा कर रही है, जहां पर वह किसानों के खेतों में पहुंचकर उनसे मिल रही है और उनकी खेती बाड़ी का जायजा ले रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने हाल ही में जेपी का नकली चेला भी बताया था। अस्पताल में लालू यादव ने मनाया अपना जन्मदिन। बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने अपना 73वां जन्मदिन अस्पताल में बैठे बैठे बनाया है। जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे तेजस्वी यादव उनसे मिलने रांची पहुंच गए थे, जहां पर तेजस्वी यादव केक लेकर पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। हालांकि लालू यादव से मिलने के बाद और केक कटिंग के बाद तेजस्वी यादव वापस पटना आ चुके हैं। वहीं मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए उनकी बेटियों ने अपने पिता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी। वहीं राजद के कार्यकर्ताओं ने भी लालू यादव के जन्मदिन के अवसर पर रिम्स के बाहर जमा होते दिखाई दिए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया अपना मूल मंत्र। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं सभी पार्टियों ने इस बाबत अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपना अनोखा मंत्र दिया है, जिसके तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं को 90+10 का मंत्र दिया है और साथ ही कहा है कि सभी जदयू नेता व कार्यकर्ता सरकार के कामकाज को लोगों तक तथ्यों के साथ पहुंचाने में अपना 90% लगाएं और 10% समय विपक्ष के अनाप शनाप बातों के जवाब देने पर खर्च करें। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा है कि पिछले 15 सालों में पूरे राज्य में किए गए विकास की बात ही हमारी पूंजी है, सभी कर्मचारी इस बात को हमेशा याद रखें। अनलॉक वन में राजधानी पटना की हालत हुई और खराब। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच अर्थव्यवस्था को वापस से पट्टी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे भारत में अनलॉक वन का ऐलान जारी किया था, जिसके बाद बिहार में भी बंद के नियमों में छूट दी जाने लगी। हालांकि बंद के नियमों में छूट मिलते ही पटना में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, लोग अब और ज्यादा लापरवाही बरतते भी देखे जा रहे हैं। सड़कों और बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी पटना जिले में कंटेनमेंट जोन पहले से ही ज्यादा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बीते दिन तक पटना में अब तक कुल मिलाकर 38 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। बगहा के आनंदी का भुजा और चोखा काफी ज्यादा है प्रसिद्ध। बिहार में लिट्टी चोखा और दही चूड़ा की चर्चा आए दिन सुनने में मिलती है, लेकिन पश्चिम चंपारण में एक अलग प्रजाति के चावल आनंदी का भुजा और चोखा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हर दिन नाश्ते में लोग इसे ही खाना पसंद करते हैं। लॉकडाउन के बीच इस भोजन की वजह से कई लोगों का भरण पोषण भी हुआ है। सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ के भुजा चोखा के बहुत ही शौकीन है। पर्यावरण के लिए अपार स्नेह ने रंजीत को बनाया ट्री मैन। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का थीम प्रकृति के लिए समय रखा गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था, जिसके बाद बिहार के नवादा जिले के रहने वाले रंजीत महतो ने अपनी मेहनत से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है, जिसके तहत रंजीत महतो ने आज के समय में ट्री मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रंजीत महतो ने अपना पूरा जीवन वृक्षारोपण को समर्पित कर दिया है। अब तक रंजीत ने अपने लगातार प्रयासों से पर्यावरण को बचाने के लिए हजारों पेड़ लगाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस काम के लिए रंजीत ने किसी से मदद नहीं ली है और अपने खर्चे पर वृक्षारोपण का काम किया है। विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम M3 है कुछ खास। बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार नए ईवीएम मशीन से करवाया जाना है। चुनाव आयोग की माने तो इस बार बिहार में M3 मशीन के माध्यम से चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार नए ईवीएम में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह किस्म के मशीन से छोटी मोटी कोई भी अगर खराबी आती तो वह खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस ईवीएम में टेम्पल डिटेक्शन का फीचर है, यदि इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो वो अपने आप काम करना बंद कर देता है। वहीं इस मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम है। ICCR ने बिहार सरकार से किया समझौता। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने बिहार सरकार से बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत बिहार के कलाकारों को दुनिया भर के अलग अलग देशों में अपनी कलाकृति दिखाने का अवसर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ICCR दुनिया भर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाती है। बिहार के कलाकारों को भी दुनिया भर में मौका मिलने के लिहाज से ICCR और कला संस्कृति और युवा विभाग ने बिहार सरकार के साथ समझौता किया है, जिसके बाद बिहार के कलाकारों को बाहर के मंच पर भी अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा।
बिहार के गंगा नदी पर एक और पुल को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार के बेगूसराय जिले की तरफ पड़ने वाले गंगा नदी पर एक और पुल बनाने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यहां पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। 2022 के अंत तक या 2023 तक माटीहानी के बीच गंगा नदी पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल सूर्यगढ़ी में लखीसराय मुंगेर NH-80 और बेगूसराय में NH-31 से जोड़ेगा, जिसकी जानकारी राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने बीते दिन प्रेस वार्ता के दौरान दी है। लोजपा सुप्रीमो ने 119 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का जारी किया ऐलान। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीते दिन लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 119 पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान जारी किया था, जिसके लिए लोजपा सुप्रीमो ने अपने सभी प्रत्याशियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 119 लोग ऐसे हैं जो पिछले 8 महीने में लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं। अपने पिता से मिलने के बाद इमोशनल हुए तेजस्वी यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर तेजस्वी यादव अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर मिलने के बाद उन्होंने एक इमोशनल पत्र जारी किया। इस पत्र में तेजस्वी यादव ने अपने पिता को बधाई दी है, जहां पर उन्होंने लिखा कि बिहारवासी, आज मैं पिताजी के जन्मदिन पर उनसे मिलने रांची आया हूं। उनके जन्मदिन पर अलग अलग तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मगर उनका जन्मदिन मुझे और अधिक प्रेरणा देता है। उनकी तरह मुखरता से गरीबों की रक्षा करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि लालू जी के जीवन की प्रेरणा से बिहार की सेवा के लिए चल पड़े हैं, कदम रुकेंगे नहीं, कभी थके नहीं। सुशील कुमार मोदी ने बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर 2.51 करोड़ पौधे लगाने का किया दावा। इस साल बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर हर जगह पर हरियाली देखने को मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन बिहार पृथ्वी दिवस के नाम पर बिहार में 2.51 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें लगभग 78 लाख पौधे आम, अमरूद, जामुन, कटहल, आंवला, बेल आदि फलदार पौधों के लगाए जाएंगे। वहीं शेष बचे पौधे सागवान, महोगनी, शीशम, पीपल, बरगद आदि के लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि पौधे की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए 3 फीट लंबाई के पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। 73वें जन्मदिन पर लालू प्रसाद को विपक्षी दलों ने दिया अनोखा उपहार। लालू प्रसाद यादव ने कल अपना 73वां जन्मदिन मनाया था, जहां इस मौके पर लालू की पार्टी ने उन्हें तोहफा तो दिया है, विपक्षियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बीते दिन लालू यादव के जन्मदिन के अवसर पर पटना में लालू यादव के 73वें संपत्तियों का ब्यौरा पोस्टर में छपवा कर लगाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि लालू यादव और उनके परिवार का बिहार के साथ साथ देश भर में 73 जगहों पर संपत्ति है। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि जिसने भी लालू यादव के परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता को यह जानना बेहद ही जरूरी था। मजदूरों की मदद के लिए अमिताभ बच्चन भी आए सामने। सोनू सूद के बाद अब अमिताभ बच्चन भी मजदूरों की घर वापसी का काम कर रहे हैं, जिसके तहत अमिताभ बच्चन फ्लाइट के माध्यम से प्रवासियों को वापस भेजने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत अमिताभ बच्चन ने प्रयागराज समेत यूपी के अलग अलग शहरों में रहने वाले कामगारों को मुंबई से हवाई जहाज के जरिए उनके घर भेजने की शुरुआत कर दी है। विमानन कंपनियों की माने तो इंडिगो फ्लाइट से प्रवासियों को उनके घर भेजा गया है, जिससे कि अब तक 180 प्रवासियों को उनके परिवार के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन की मदद से प्रवासी काफी खुश नजर आए हैं। लॉकडाउन के बीच सबकी फेवरेट बनी मैगी। बंद के बीच सभी लोग अपने घर पर ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताने पर मजबूर हो गए थे। वहीं हाल ही में जारी किए गए शोध के अनुसार जहां बंद में पार्ले जी बिस्किट की बिक्री में इजाफा देखा गया, वहीं दूसरी तरफ आंकड़ों के अनुसार मैगी में भी 25% बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद नेस्ले इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायण ने बताया है कि लॉकडाउन के बीच कंपनी को अपने सभी 5 कारखानों में मैगी का उत्पादन काफी तेजी से करना पड़ा है। नेस्ले का सालाना कारोबार करोड़ों में है, वहीं इस साल उम्मीद की जा रही है कि इस साल कारोबार में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। ट्विटर ने भारत में फ्लीट्स फीचर किया पेश। ट्विटर ने भारत में फ्लीट्स फीचर को पेश कर दिया है। इस फीचर के माध्यम से इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह 24 घंटे बाद यूजर द्वारा लगाया गया कोई भी स्टेटस खुद ब खुद हट जाएगा। ट्विटर का कहना है कि अपने यूजर के अनुभव को बेहतर करने के लिए यह नया फीचर पेश किया गया है, जो कि 24 घंटे बाद खुद ब खुद गायब हो जाएगा, जिसके बाद अन्य यूजर इन फोटो वीडियोज पर लाइक, रीट्वीट और कमेंट नहीं कर पाएंगे। वहीं भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जहां पर ट्विटर ने अपने इस नए फीचर को रोल किया है। इससे पहले कंपनी ने ब्राजील और इटली में इसे लॉन्च किया था, हालांकि भारत में इसे अभी टेस्टिंग के तौर पर पेश किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है न्यूज टाइम, दिव्याशु कुमारी, समथिंग इंटरेस्टिंग, रामनिवास कुमार, दिलीप कुमार, रिंटू कुमार, गोविंद यादव, ललित कुमार यादव, लाल बाबू अंसारी, उदय यादव, मोहम्मद चांद आलम, नईम आलम, सनोज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, अनलॉक 1 के दौरान बिहार में COVID-19 के बढ़ते मामलों के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।